और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। अपने बयान में उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि वे तो पुराने कोयले का इंजन की तरह हो गए हैं, अब उन्हें खड़े हो जाना चाहिए जैसे पुराने कोयले के इंजन खड़े हो गए हैं यार्ड्स में। अब ये बुजुर्ग हो चले, इनकी उम्र हो गई है। एक बार फिर से उम्र पर निशाना साधते, उम्र पर तंज कसते गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए और कांग्रेस को भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बताया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। डिंडौरी के बरगांव पहुंचे सीएम शिवराज और राज्यपाल मंगू भाई पटेल। जनजातीय कल्याण केंद्र में पौधारोपण और गौशाला का निरीक्षण। सलगी नदी पर घाट का किया लोकार्पण। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता शिवम शुक्ला हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय पर निशाना, बोले उनको बजरंग दल नजर आएगा गुंडा, जाकिर नायक लगेगा शांति दूत। गुना सांसद केपी यादव का सिंधिया को लेकर वीडियो वायरल, बोले जिस पार्टी ने आपको दिया सम्मान, जिसका खा रहे आप, उसकी थाली में नहीं करना चाहिए छेद। केपी यादव के वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार, कहा वो नहीं ले रहे किसी का काम। जिलाजा इसमें प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। एमपी में डीके शिवकुमार जयराम रमेश कांग्रेस के लिए मोर्चा संभालने पर गरमाई। सियासत मंत्री विश्वास सारंग बोले दिल्ली के नेतृत्व को एमपी कांग्रेस के नेताओं पर नहीं भरोसा, कांग्रेस कुछ भी कर ले लेकिन सरकार नहीं बना पाई। कमलनाथ का प्रदीप जायसवाल पर बड़ा बयान, विधायक जायसवाल की नहीं होगी कांग्रेस में एंट्री, कांग्रेस सरकार में जायसवाल थे मंत्री, वर्तमान में खनिज निगम के अध्यक्ष हैं जायसवाल। मंदसौर में पर्यावरण मंत्री पर संत गोशरण महाराज ने लगाए गंभीर आरोप, गौ तस्करी में सहयोग करने का लगाया आरोप मंत्री पर, आरोप का वीडियो हो रहा वायरल। एमपी में 10वीं 12वीं के रिजल्ट के दिन विपक्ष का बड़ा ऐलान, कांग्रेस लगाएगी सस्ती कोचिंग व्यवस्था, यूपीएससी एमपीपीएससी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराने के लिए होगी व्यवस्था। भोपाल को मिली एक और ब्रिज की सौगात, सीधे रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले भारत टॉकिस ओवर ब्रिज पर ट्रैफिक फिर हुआ शुरू। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया ब्रिज का निरीक्षण। मंडला में अल्प प्रवास पर गुरु भाई से मिलने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, विश्राम के बाद जबलपुर हुए रवाना। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही।